ओम शांति। जितना हो सके हम सात्विक आहार लिए जाए, बाबा के वाइब्रेशन दिए जाए और हम इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा सात्विक आहार दिए जाए। ये 90% हमारा योग बल हमको बचाता है, 10% ये आहार सभी बचाता है। ये हम बाबा के बच्चों के लिए परमात्मा का विशेष वरदान होता है। बाकी लोगों का तो दुनिया के हिसाब से सब कुछ बिगड़ गया है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए योग के बल होने के कारण वाइब्रेशन से कोई कुछ भी किया गया है, कुछ भी उसमें मिक्सचर किया गया है, आप प्यार से बाबा को वाइब्रेशन दे करके खाओ, उसका इफेक्ट हम पर नहीं पड़ता है, हम खुश रहेंगे। हम एक जीव को जीत लिया तो सारा इंद्रिया हमारे कंट्रोल में आते हैं। आप इसको करना ना करना मैं मजबूरी से नहीं बोल रहा हूँ, आप एक 15 दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट के रूप में करो, अगर आपको करना चाहते हैं तो आगे बढ़ाओ। समझा? एक महीने में एक दिन आप एंजॉय करो सब तरह से भोजन को, लेकिन एंजॉय के नाम से रोज पिज्जा बर्गर जैसा बना के तेल मसाला सब डाल करके खाना मत खाना, वो हमारा योगी जीवन योगी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा नहीं। ओम शांति भाई जी, ये बताइए, आपने अभी बताया था कि 7 दिन जो है लिक्विड लेने से जिसमें 5 kg वेट रिड्यूस होता है, उसको एक बार फिर से रिपीट करिए। कमर है हाँ हाँ 7 kg। आप क्या करना है, एक ग्लास में एक जो पानी होता है न्यू वाटर बोलते हैं, थोड़ा पतला गर्म करना है, उसमें आप 2 चम्मच शहद हनी प्योर हनी उसको मिक्स करना है, आपके टेस्ट के लिए और बॉडी के हीट को थोड़ा बैलेंस, गर्मी को अंदर हीट कंट्रोल करने के लिए ये नींबू का रस जो होता है, लेमन जो होता है, वो 3 या 4 ड्रॉप डालना है और पूरा चम्मच में मिला करके धीरे धीरे आपको उसको पीना है, ऐसे 2-2 घंटे 2-2 घंटे, 8 घंटे को, 10 घंटे को, 12 घंटे को, 2 घंटे को, 4 घंटे को, ऐसे दिन में सात बार और रात के 8 बजे के अंदर उसका पूरा फिनिश करना है। तो आपको बिना पता चले आपके शरीर में जमे हुए गंदगी सब निकाल के आपके विसर्जन में चले जाता है, आपके बॉडी क्यूर होता जाएगा, क्लीनिंग हीलिंग होता है, क्योंकि आपने अंदर रहे हुए प्राण शक्ति जो बोलते हैं वो प्राण शक्ति अपने आप इलाज करने टाइम मिलता है। हम क्या करते हैं, ओवरलोड करते हैं तो प्राण शक्ति को टाइम नहीं मिलता है, कम से कम 12 या 14 घंटा पेट को आप छुट्टी देने से ही ये काम होता है। समझ रहे हैं? थैंक यू।